ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਚੇਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਚਾਰ ਟੋਲੇ ਕੀ ਚੇਨ ਥੀ ਉਹ ਅਭੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸਕੀ ਕਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਲਸੀ ਕੇ ਪਾਪਾ ਕੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਚੇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਰੱਖੋ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਚਾਰ ਟੋਲੇ ਕੀ ਚੇਨ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਯਹੀ ਕਹੀ ਹੋਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ लेकिन हुआ कैसे मेरी शादी से पहले स्यापे चालू सब ठीक तो होगा मम्मी मेरी शादी तो नहीं रुक जाएगी ना और ना जी ना पुत्र तेरी शादी कभी कैंसिल नहीं होगी पुत्र तू आई पर मत हो तू चिल कर मैं ढूंढती हूँ चेन एलो जी हद ही हो गई दुल्हन की माँ की चेन चोरी हो गई अरे उसे कैसे चोरी हो गया जुगनी तो कच्चा हमारे साथ बैठी थी और जी बिल्कुल सही जी जो मैंने लगता है कि चोर ना इत्थे ही कहीं है इसी घर में चोर मैंने मिल गया ना मैं छोड़ूंगी नहीं तुसी घबराओ नहीं मिल जाएगी चीन हाँ हाँ आंटी जी तुसी टेंशन ना लो अपा एक काम कर दे सबकी तलाशी ले लेते हैं हाँ पुत्र मीनू जी तब तक आप इतने संभालो मैं जरा कलसी के पापा ने बता के आती हूँ तुसी जाओ यार तुम मर्डर कर देना मेरा तलाशी तो देती जा अरे भाग कर रही है दुपट्टा हटा ओ जी देखो जी सब लोग इसने चुराई है जुगनी दी चेन अब मुंह छुपा के भाग रही है ये दुपट्टा हटा सोम्या सोमोदी अब तो भाग नहीं सकती चल चेन निकाल जी नहीं मैंने मैंने कोई चेन नहीं चुराई है ओए आंटी जी मेरी सोमोदी चोर नहीं है समझी ना पुत्र जी ऐसे मुंह छुपाते ना चोर ही भागते हैं ए लो जी निम्मी दी कुड़ी तो चोर निकली एक मिनट बहन जी मेरी बच्ची चोर नहीं हो सकती है तो भाग क्यों रही थी चेहरा क्यों छुपाया था इसने आंटी जी एवी डाल लिया होगा दुपट्टा वरना सोमी और सुरभि मेरी बहन जैसी है बचपन की दोस्त है मेरी ऐसे नहीं मानेगी पुलिस को बुलाना पड़ेगा चल चेन दे देती है चेन की नहीं नहीं जी रब्बी सौ चेन चेन मेरे पास नहीं है अब प्लीज मैंने छोड़ दो प्लीज अरे चुप शक्ति 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 आंटी जी अपना हाथ पीछे रखिए वरना आपका राइट हैंड तोड़ के ना फिर लेफ्ट में दे दूंगी मैं कलसी की शादी का रिटर्न गिफ्ट बना के समझी ना बदतमीजी की हद होती है बड़ी बहन चोरी करती है और छोटी सी ना जोरी आप भी ठीक है रो ये तो घर की बच्चियां हैं चोरी जैसा ओछा काम ये नहीं कर सकती हैं हाँ हाँ सब साधु हैं एक मैं ही शैतान हूँ पड़ोसन हूँ आपकी थोड़ी पलाई वास्ते बोल रही सी पर आपने बुरा बना दिया मैनू मुझे नहीं रुकना यहाँ मैं जा रही हूँ सत श्री अकाल हेलो आंटी जी आंटी जी रुकिए ना रुकिए बहुत अच्छी पड़ोसन है ना आप तो अच्छी पड़ोसन का फर्ज भी निभाते जाइए सब तलाशी दे रहे हैं ना आप भी दीजिए अरे ये कौन सा तरीका है मेहमानों से पेश आने का ओ तलाशी लेने को कह रही हूँ आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मांग रही जो इतना भड़क रही हैं आप दीजिए तलाशी अरे 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 ये क्या कर रहे हो रुकिए आकी है पोटली हाँ ये
पोटली की गांठ ना मुझसे खुल नहीं रही है, आप जरा हेल्प कर देंगी प्लीज? खोलिए। दिखाइए दिखाइए क्या है इसमें, निकालिए ना दी। अरे रब्बा यही तो है मेरी चेन। हां जी आंटी जी, आप कुछ कह रही थी ना सोमोदी के बारे में। हाँ मेरी सोमोदी को चोर कह रही थी, पर देखिए आप ही की पोटली में से आपकी चोरी का सबूत निकाला है। आपकी चैन जुगनी आंटी। ओ जी मेरा इंटेलिजेंट पुत्र, इस मिसेस अरोरा को तो ना मैं छड़ूंगी ना, तू ठंड पा। मैं सब कुछ देख सकती हूँ जुगनी आंटी, पर कोई मेरी सोमूदी पर उंगली उठाकर तो दिखाए, उंगली तोड़कर रख दूंगी मैं उसकी। मेरी सोमूदी वर्ल्ड की बेस्ट दी है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। हेलो, तारीफ करने पर भी आंसू। आपने कुछ गलत नहीं किया है दी, गलत तो ये गॉसिपिंग करने वाली आंटियां हैं जो बिना सोचे समझे आप पर चौड़ी हो रही थी। मत रो दी प्लीज। चले तो कर दिया सियापा, हिला दिया रायता, ऐसा कभी हो सकता है? खुशी का दिन हो और तुम्हारी बेटी की वजह से कलेश ना हो। इतने जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ऐसे ब्याह छोड़ के मत जाओ। ओ जी कल से आपकी भी बेटी है, फेरे पड़ने वाले हैं, कुछ देर रुक जाओ प्लीज। सानू माफ करिए, हमें अब जाना होगा। रुक जाओ बहन जी। ओ जी आपने इतनी खुशियों से उसके ब्याह की तैयारी की, फेरो तक रुक जाओ, उसे आशीर्वाद दे के जाओ। तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम।
बड़ी होके तुझ में तेले की अकल नहीं है? किसे पूछ के आई थी वहां पर? समझ नहीं आता कि कौन सी भाषा में तुझे समझाऊं कि घर से मत निकला कर। सोमू, क्यों गई थी बात? दस मैनू सारे लोगों के बीच में हमारी नाक कटवा के रख दी। पता नहीं लोग हमारे बारे में की गल्ला कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। सोमू, पता है कितनी बार बोला तेनू बाहर नहीं निकला कर, क्यों निकली बोल? उनका मन था कलसी की शादी देखने का। कलसी, काजल, बबली, सब उनकी भी तो फ्रेंड्स है बचपन से। मुझे पता था कि आप दोनों नहीं आने दोगे उन्हें वहां पर, इसीलिए मैंने अपनी कसम देकर उन्हें कहा था आने के लिए। तू पागल है? क्या जरूरत थी तुझे कसम देने की? उन्हें घर में भी बंद करके रखने की क्या जरूरत है दादी? सुरभि, तेनू इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है।